हेलो, गुड इवनिंग ऑल। तो आज हमारी 1 महीने की जर्नी का कंक्लूजन है। 30 मई को स्टार्ट किया था। ओके, लेट टू मोर पीपल ज्वाइन। सो एज यू नो, वी स्टार्टेड रीडिंग दिस इम्पोर्टेंट बुक 7 हैबिट्स ऑन 30 मई। So it has been almost 1 month, and in the span of these 30 days we have covered 7 habits intensively. So Achal Singla, she has been very kind to share her time and energy with all of us. So aaj uska kaise finale hai ye. To sabhi ready hain? Kin kin logon ne ye book ऑलरेडी कवर की हुई है कभी ना कभी? दोज हु हैव मतलब सम अंडरस्टैंडिंग ऑफ दी 7 हैबिट्स, सो यू कैन रेज योर हैंड्स। ओके, विकास पात्रा, ठीक है। तो हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी ये, और एक सिस्टम हमें मिलता है जो हमें हेल्प करता है समझने के लिए, और 1 मंथ का टाइम काफ़ी बड़ा टाइम था। तो जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, आज हम इसको रिवाइज करेंगे थ्रू सम इंटरैक्टिव मोड। तो आंचल जी, आप तैयार हैं? तो एनी ओपनिंग रिमार्क्स, और शैल आई शेयर द पीडीएफ? शेयर पीडीएफ। ओके, तो हम जो बुक कर रहे हैं उसका नाम है, अब तक तो आप सबको भी याद हो गया होगा, 7 हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, और इसके ऑथर है स्टीफन आर कोवे। ये बुक बहुत ही मतलब लीडरशिप स्किल्स और अपने अंदर अच्छी हैबिट्स डालने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक मानी जाती है। इसके रिव्यूज बहुत अच्छे हैं अगर आप देखोगे यूट्यूब वगैरह पे। तो हमने इसको 1 मंथ में कवर किया है हम सब ने मिलकर, तो आज हम चेक करते हैं कि कितना हमने इसको समझा, याद रखा। तो 3 तरह के क्वेश्चन से हम अपने आप को इवैल्यूएट करेंगे आज। 3 तरह के क्वेश्चन, पहला है इजी लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, जो अगर किसी ने इस बुक को थोड़ा बहुत भी सुना होगा, मतलब ऊपर ऊपर से भी देखा होगा वीडियोस को, तो वो आंसर कर पाएंगे। दूसरा है मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन, जिसमें थोड़ा कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, थोड़ी एनालॉजीज आ जाएंगी। और फिफ्थ है डिफिकल्ट, जिनके आंसर वही कर पाएंगे जिन्होंने इसे अपने जीवन में लाया होगा। अब हम सबसे पहले शुरुआत करते हैं इजी क्वेश्चन से। आपको करना ये है कि हर टाइप के क्वेश्चन खत्म होने के बाद अपने मार्क्स को बताना है, या तो चैट बॉक्स में या बोल के। जैसे 5 इजी क्वेश्चन है तो आप अपनी नोटबुक में उसके आंसर लिखते जाना, हम डिस्कस भी करेंगे उनको बीच बीच में। और आंसर आपको 5 क्वेश्चन खत्म होने के बाद अपना असेसमेंट बजाना है। तो हम शुरू करते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि विच हैबिट वी कैन लर्न फ्रॉम गीज, तो ये हम पिक्चर्स भी देख सकते हैं नीचे। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि आंसर सारे लोग चैट में करें, लेकिन पब्लिकली एवरीवन ना करें, सिर्फ जैसे आंचल जी को या मुझे कर दें, ताकि पता भी तो चले कि आंसर कौन कर रहा है। नहीं तो फिर पता नहीं। पहले तो एक बार माइक ऑन करके ये बताएं कि कौन कौन रेडी है। हाँ, इस चैलेंज के लिए माइक और वीडियो भी ऑन कर सकते हैं ताकि पता चले। मैं पार्टिसिपेट करूंगा। गीज का मतलब क्या है? सॉरी। ओके, इसका मतलब रिवीजन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं। गीज मतलब बर्ड्स, सिंपल बर्ड्स। ओके ओके, ये एनालॉजी पहले ही शायद ओवरव्यू वाले वीडियो में शेयर हुई थी। खैर, सभी लोग चैट में रिप्लाई कर सकते हैं प्राइवेटली टू एडमिन, तो सबके आंसर आते जाएंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आपको पिक्चर देख के बताना है कि
गीज की कौन सी हैबिट हमें इस पिक्चर में नजर आ रही है, या गीज को, गीज से हम कौन सी हैबिट सीख सकते हैं? इन चार ऑप्शंस में से आपको देखना है, चार ऑप्शंस हैं: सिनर्जी, शार्पन द सो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, और बिगिन विद एंड इन माइंड। तो होप आप सब ने अपना आंसर नोट कर लिया होगा। चार लोगों के आंसर आ गए, ठीक है। तो हमने जब वीडियो में इसको कवर किया था तब देखा था कि कैसे जो बर्ड्स हैं वो वी फॉर्मेशन में चलती हैं, तो ये एक मतलब सिनर्जी का गुण हमें दिखाता है। नेचर ने इसे बहुत अच्छे से अपने अंदर लाया है, और हम नेचर को देख के हम भी इसे अपने अंदर लाते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब हम आते हैं। तो ये जो पिक्चर है फोर क्वाड्रेंट्स, ये आपको कौन सी हैबिट की याद दिलाती है? क्वाड्रेंट 1, 2, 3, 4, चार ऑप्शंस आप सबके सामने हैं: सिनर्जी, शार्पन द सो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, और बिगिन विद एंड इन माइंड। और आपको साथ में ये भी बताना है कि इन चारों में से कौन सा क्वाड्रेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो ओवरलुक हो जाता है। तो होप सब आंसर कर पाए होंगे। हाँ जी, राइट आंसर आ रहे हैं। थ्री पार्टिसिपेंट्स हैव आंसर्ड। तो इसमें हमने देखा था कि कैसे चार क्वाड्रेंट्स होते हैं, जो पहले दो क्वाड्रेंट होते हैं वो इम्पोर्टेंट। अचल जी, यू आर नॉट ऑडिबल एज ऑफ नाउ। हाँ जी, जो पहला क्वाड्रेंट होता है वो डेडलाइन के रूप में होता है, जो मतलब आसपास के सर्कमस्टांसेस किसी भी तरह हमसे करा ही लेते हैं, और जो दूसरा क्वाड्रेंट होता है वो हमसे ओवरलुक हो जाता है। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हमें जाना ही नहीं है, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं, वो टाइम वेस्ट चलता है, जैसे बीच में व्हाट्सएप चेक करना या मेल चेक। थर्ड और फोर्थ इम्पोर्टेंट नहीं है, बट हमें अर्जेंट लगते हैं, इसलिए हम इसमें अपना टाइम दे देते हैं। हमें करना ये है कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट से टाइम बचा के सेकंड क्वाड्रेंट में देना है। तो आप ये भी मेंशन कर सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट की किस एक्टिविटी में, जैसा यहाँ क्वाड्रेंट में लिखा हुआ है चार एक्टिविटी, इनमें से किस एक्टिविटी पे आप पहले ध्यान देंगे, क्वाड्रेंट टू की किस एक्टिविटी को आप अर्जेंटली इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में। जैसे यहाँ लिखा है प्रिपरेशन, प्लानिंग, प्रिवेंशन, रिलेशनशिप बिल्डिंग और पर्सनल डेवलपमेंट। बस इन पांच ऑप्शंस में से चूज करना है जो आपको लगता है कि अभी सबसे ज्यादा जरूरी है। प्लानिंग। हाँ जी, बाकी सभी भी मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो इस बुक के टाइटल में ही था, व्हाट इज अफेक्टिवनेस। अफेक्टिवनेस क्या है? हमने फर्स्ट डे ही ये वाला ग्राफिक्स देखा था, इसमें लिखा हुआ था कि एक तो था एफिशिएंसी, एक था अफेक्टिवनेस। वैसे इसमें चार ऑप्शन जहां आपको इसमें से सेलेक्ट करना है: डूइंग थिंग्स राइटली, डूइंग थिंग्स एट राइट टाइम, थर्ड ऑप्शन है डूइंग राइट थिंग्स, और फोर्थ है डूइंग स्मार्ट थिंग्स। तो इन चारों में से क्या चीज इफेक्टिवनेस को अच्छे से डिफाइन करती है? मोस्टली सही आंसर आ रहे हैं इसमें भी। तो अगर हम रिकॉल करें, हमने इसमें देखा था कि एक होता है चीजों को सही तरीके से करना, एक होता है सही चीजों को करना।
चीजों को हम सही तरीके से भले ही कर रहे हो, बट अगर हम सही चीज ही नहीं कर रहे होंगे तो उसका कोई फायदा कोई मतलब रहता नहीं है। तो इस बुक का सार यही है, इफेक्टिव बनना यानी सही चीजों को करना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा मतलब अगर किसी ने आई थिंक यू आर नॉट ऑडिबल। अकॉर्डिंग टू हैबिट 6 सिनर्जी 1+1 मेक्स, 1+1 मिलके क्या बनाता है सिनर्जी के अकॉर्डिंग? तो ऑप्शन ए है 1, बी है 3, सी है 1.5, डी है 2। तो होप ये इजी सा क्वेश्चन आप सब कर पाए होंगे। तो सबके आंसर आ रहे हैं? सभी आंसर दे रहे हैं, कुछ कुछ आंसर कुछ और भी आते हैं, लेकिन ये सब का आंसर ठीक है। हाँ जी, तो अगर हम रिकॉल करें, हमने वीडियो में देखा था कि 4 तरह के सिमिलर से टर्म्स होते हैं। एक होता है कॉम्प्रोमाइज, एक होता है कोऑपरेशन, तो कॉम्प्रोमाइज, और एक होता है डोमिनेशन। जब डोमिनेशन होता है तो वो इक्वेशन बनती है 1+0 की, तो उसमें रिजल्ट होता है 1। और जब सेकंड लेवल पे आते हैं हम कॉम्प्रोमाइज, तो 1+1 मिलके 1.5 होता है, क्योंकि उसमें पार्शियल सेटिस्फेक्शन रहती है। और थर्ड पे जब हम आते हैं कोऑपरेशन पे, तो 1+1 मिलके 2 होता है। पर सिनर्जी इज ए हायर लेवल ऑफ वर्चू, उसका मतलब है 1+1 मेक 3। जैसे हमने हिंदी में भी सुना है कि 1 और 1 11 होते हैं, तो वही उसी तरह का ये वर्चू है जो कहता है कि जब दो बंदों में, दो व्यक्ति में अच्छे लेवल के अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, तो वो एक अलग तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस होता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जो इजी लेवल का ही है। हैबिट 7 इज शार्पन द, तो ऑप्शन है शार्पन द सो, शार्पन द पेंसिल, शार्पन द नाइफ और शार्पन द कटर। ये तो सबका सही होना चाहिए। सबका सही है। तो अगर हम रिकॉल करें तो इस हैबिट में हमने देखा था कि कैसे सब कुछ करते हुए हमें अपना ध्यान रखना नहीं भूलना है, क्योंकि हमने उसमें कोड भी पढ़ा था कि सेल्फ लव इज नॉट सेल्फिश, सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट, अपना ध्यान रखना जरूरी है। और इसमें हमने 4 डायमेंशंस देखे थे, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल और इमोशनल। तो यहाँ स्टीफन ने जैसे कोट भी बहुत अच्छे से मेंशन किया हुआ है कि वी मस्ट नेवर बिकम टू बिजी सोइंग टू टेक टाइम टू शार्पन द सो। मतलब जैसे हमने एनालॉजी में देखा था कि वो पर्सन ब्लंट सो से ही ट्री को काटने की कोशिश कर रहा था काफी देर से, बट उससे ट्री कट नहीं रहा था। तो ऐसे ही कई बार हम भी जाने अनजाने की मेहनत कर रहे होते हैं, बट फिर पता नहीं चलता क्यों रिजल्ट नहीं आ रहा, क्योंकि हमें भी रिन्यूअल की, हमें भी अपने आप को रीएनर्जाइज करने की आवश्यकता होती है, ऐसा ऑथर ने कहा था। अब थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पे आते हैं। उससे पहले आप सब भी अपना टोटल इजी लेवल के क्वेश्चन में जो रिजल्ट रहा वो मेंशन कर सकते हैं। 5 में से कितने मार्क्स आए? सभी लोग अपने मार्क्स चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं फॉर एवरीवन। Most of the participants have secured 5 out of 5. Very nice. अब हम moderate level के question में आते हैं, जिसमें मतलब थोड़ा question easy है but option tricky है, तो आपको सोच समझ के answer करना होगा। तो वट इज द करेंसी इन इमोशनल बैंक बैलेंस? जैसे हमारे बैंक बैलेंस में करेंसी रुपीज में होती है,
इमोशनल बैंक अकाउंट जो हमने देखा था हैबिट 4 में, उसमें करेंसी क्या होती है? ऑप्शन है रुपीज, सेकंड ऑप्शन है इमोशंस, थर्ड है ट्रस्ट, फोर्थ है बिलीफ। काफी अच्छा क्वेश्चन है। परसेंट पार्टिसिपेंट्स हैव आंसर करेक्टली, फ्यू हैव गिवन रॉन्ग आंसर एज वेल। तो ट्रिकी ऑप्शन थे शायद, इसलिए कंफ्यूजन हो गया। वैसे इसमें था ट्रस्ट, इसमें सीओडी में ही वो हमारी करेंसी होती है इमोशनल बैंक बैलेंस। तो हमने इसमें सीखा था कि कैसे हम अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकते हैं बाय इंक्रीजिंग अवर डिपॉजिट एंड रिड्यूसिंग अवर विड्रोल्स। विड्रोल कब हो जाते हैं? जब हम जाने जाने में कभी किसी से रूडली बात करते हैं या फिर अपने कमिटमेंट्स को पूरा नहीं करते हैं, तो वो विड्रोल की कैटेगरी में जाता है। तो उससे हमें बचना है और डिपॉजिट बढ़ाते जाना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ये और भी अच्छा क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कि मोहन इज वरिंग एंड टॉकिंग टू हिज फ्रेंड रिगार्डिंग फॉलिंग जीडीपी ऑफ कंट्री। तो वैसे भी ये स्वाभाविक है, देश का नागरिक होने के नाते कोई भी देश की घटती जीडीपी को देख के चिंतित होगा ही। तो बट हमें ये बताना है कि इस जो हैबिट 1 में हमने सीखा था बीइंग प्रोएक्टिव में, उसके अकॉर्डिंग इस टाइप के डिस्कशन को हम किस कैटेगरी में रखेंगे? ए है एरिया ऑफ कंट्रोल, बी है एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस, सी है एरिया ऑफ कंसर्न और डी है एरिया ऑफ इफेक्टिवनेस। तो हम नीचे डायग्राम से भी हेल्प ले सकते हैं अगर याद ना आ रहा तो। डायग्राम से तो चीटिंग हो जाएगी। डायग्राम ने आंसर दे दिया पहले ही। तो ये तो सबका सही होना चाहिए फिर। फिर भी सबका सही नहीं हुआ, कोई बात नहीं। तो हम रिकॉल करें तो हमने देखा था कि दो तरह, हमने असाइनमेंट में ये लिया था कि हम सर्कल बनाएंगे, उसमें जो जिन जिन बातों पे हमारा ध्यान जाता है पूरे दिन में उनको नोट करेंगे, और फिर उनमें से जिन बातों पे हमारा कंट्रोल है उसको अंदर वाले सर्कल में डालेंगे, क्योंकि सब बातों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। और जब हम उन बातों से अपनी एनर्जी बचाएंगे तभी हम प्रोएक्टिव बन पाएंगे, हम अपने लाइफ का चार्ज ले पाएंगे। जैसे रेड दिखाने का पर्पज यही है इसमें कि रेड मतलब वेस्टेज ऑफ एनर्जी, जैसे प्राइस ऑफ गैस, रेनफॉल होगा या नहीं, दूसरे मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, दूसरे देश का प्रधानमंत्री कौन होगा। तो इन सब की हमें नॉलेज होनी चाहिए बट इनको अननेसेसरी डिस्कस नहीं करना चाहिए, ये ऑथर कहते हैं। अब हम नेक्स्ट हैबिट पे आते हैं। तो ये भी थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन लग सकता है, क्योंकि इसमें जैसा पूछा गया पर्सनल मिशन स्टेटमेंट वाज पार्ट ऑफ विच हैबिट। हमने डिस्कस किया था कि हम सबको अपने जीवन के प्रिंसिपल्स, सिद्धांत को एक पेज पे नोट डाउन करना है, तो वो वाला असाइनमेंट हमने किस हैबिट में लिया था? ऑप्शन है सिनर्जी, सेकंड है शार्पन द सो, थर्ड है फर्स्ट थिंग फर्स्ट और फोर्थ है बिगिन विद एंड इन माइंड। मोस्टली ये भी राइट आंसर है, वेरी गुड रिकॉल एक्चुअली, एक्सेप्ट वन और टू पीपल। तो अगर ये हम सब ने नहीं किया ये असाइनमेंट उस दिन, तो ये जरूर करें, बहुत अच्छा असाइनमेंट था ये, क्योंकि ये हमें अपने आप से जोड़ता है कि हमारा पर्सनल मिशन क्या है। जैसा यहाँ नीचे बड़ा अच्छा मेंशन किया हुआ है किसी की पर्सनल मिशन स्टेटमेंट है ये, इट इज माय मिशन टू लिव ए लाइफ ऑफ ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड अनकंडीशनल लव। तो ऐसे हम भी लिखे बट इज माय मिशन, तो इससे क्या होगा कि हम हमेशा अपने गोल से, अपने मिशन से अलाइन रहेंगे और समय समय पर इसे देखते रहें या फिर इवन अपने रूम में कहीं पेस्ट कर लें से,
फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. अकॉर्डिंग टू हैबिट टू बिगिन विद एंड इन माइंड विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट क्रिएशन. जैसा हमने डिस्कस किया था बिगिन इन एंड इन माइंड में पहले हम प्लान बनाते हैं और उसके बाद उससे एग्जीक्यूट करते हैं. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो फर्स्ट क्रिएशन हम कह सकते हैं. जैसा है फिजिकल क्रिएशन, इमोशनल क्रिएशन, मेंटल क्रिएशन या नन ऑफ द अबव. तो इस पिक्चर से हमें अच्छे से याद आ जाएगा. हमने कारपेंटर वाला एग्जांपल भी लिया था कि कारपेंटर क्या करता है, मेजर ट्वाइस कट वन. तो ऐसे ही हमें प्लानिंग में भले ही ज्यादा टाइम लग जाए बट प्लान को वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं समझना चाहिए. इसलिए इसका करेक्ट आंसर है मेंटल क्रिएशन. पहले हमें उसका प्लान या फिर एक ब्लूप्रिंट अपने माइंड में रेडी होना चाहिए, फिर हम उससे अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाएंगे. जैसा कि आर्किटेक्चर वगैरह करते भी हैं कि बिल्डिंग का पहले एक मैप बनाते हैं. अगर वो सीधा ही उसको बनाने लग जाए तो वो सही तरह से नहीं बना पाएंगे. तो इसका इस नीचे वाले पिक्चर से राइट आंसर सी हुआ, राइट है ना? हाँ जी, मेंटल क्रिएशन. क्योंकि एक रिक्वेस्ट आ रहा है कुछ लोगों से कि आफ्टर डिस्कसिंग एवरी क्वेश्चन राइट आंसर भी स्पीकर बता दें. तो एक्सप्लेन तो किया जा रहा है लेकिन वो ठीक है, डायरेक्टली सी है ये. उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. व्हिच हैबिट टीचेस अस आर्ट ऑफ सेइंग नो. आर्ट ऑफ सेइंग नो भी अपने आप में इम्पोर्टेंट हैबिट है. कहाँ पे ना करना है और कहाँ पे हाँ करना है. क्योंकि अगर हम गलत चीजों में हाँ कर देंगे तो फिर हमारे लिए ये डेट्रीमेंटल होगा. तो इसमें ऑप्शन है सिनर्जी, शार्पन द सो, फर्स्ट थिंग फर्स्ट और फोर्थ है बीइंग प्रोएक्टिव. इसमें कंफ्यूजन हुआ है काफी कुछ लोगों को. ठीक है, तो राइट आंसर, तो इसका राइट आंसर है फर्स्ट थिंग फर्स्ट. जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें कि जो सबसे इम्पोर्टेंट है उसे हम सबसे पहले करें. और उसे हम सबसे पहले तभी कर पाएंगे जब हम अनइम्पोर्टेंट को नो कहेंगे. तो इसलिए सेइंग नो वाज पार्ट ऑफ हैबिट की फर्स्ट थिंग फर्स्ट. तो आप साथ में ये भी बता सकते हैं कि फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो हैबिट है वो प्राइवेट विक्ट्री का पार्ट है या पब्लिक विक्ट्री का पार्ट है. जैसा हमने देखा था कि पहली जो तीन हैबिट है वो हमें प्राइवेट विक्ट्री में हेल्प करती है और नेक्स्ट थ्री पब्लिक में. तो ये किसका पार्ट है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ओके, एक आंसर राइट आ गया है तरुण अग्रवाल जी का. विकास पत्रा जी का भी राइट आंसर है. सर एक बार क्वेश्चन दोबारा बोलेंगे. दे ये जो हैबिट है फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ये प्राइवेट विक्ट्री का पार्ट है या पब्लिक विक्ट्री का पार्ट है? प्राइवेट विक्ट्री में फर्स्ट थ्री हैबिट्स आती हैं. प्राइवेट. हाँ जी, बहुत तो अच्छा. आप अपना स्कोर मेंशन कर सकते हैं. 5 मॉड्यूल लेवल के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. स्कोर प्लीज, स्कोर टाइम. Okay, few have secured 4, some 5. अब थोड़े डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे. तो इस पिक्चर को देख के आपको ये बताना है. फर्स्ट पिक्चर को सबसे पहले तो आई एम नॉट ए डोर मैट.
ये किस हैबिट का पार्ट है? ये वैसे क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। 7 हैबिट्स में से ये किस हैबिट में आता है? इस सिंड्रोम को हमने किस हैबिट में डिस्कस किया था? ओके, एक आंसर आया है विन विन। तो अब आपको बताना है कि जो पिक्चर फर्स्ट है वो इन चारों ऑप्शंस में से किस चीज को दर्शाता है? विन लूज लूज या लूज विन? दोनों पिक्चर्स का आपको मेंशन करना है। पहले पिक्चर वन का आई एम नॉट अ डोरमैट, और जो सेकंड पिक्चर है जिसमें ये पर्सन रेड कलर में। दोनों के लिए अलग अलग लिखना है, दोनों का आंसर अलग लिखना है। हाँ जी, दोनों का अलग लिखना है, पहले फर्स्ट पिक्चर का फिर सेकंड पिक्चर। होप सबने मेंशन कर दिया होगा। तो हमने जो थिंक विन विन वाले हैबिट थी उसमें सीखा था कि चार तरह की सिचुएशन क्रिएट हो सकती हैं। जो सबसे आइडियल सिचुएशन है वो विन विन है। पहली वाली जो पिक्चर है वो हमें दिखा रही है आई एम नॉट ए डोरमैट, मतलब लूज विन वाली सिचुएशन, जिसमें हमने समझा था कि कैसे कुछ कई बार हम जो सर्विस का कॉन्सेप्ट है, भलाई का कॉन्सेप्ट है, उसे गलत समझ लेते हैं और अपना नुकसान करके औरों का भला करने की कोशिश करते हैं। तो वो वाली सिचुएशन है डोरमैट सिंड्रोम। तो ऑथर कहते हैं कि वो भी ठीक नहीं है, लूज बिन वाली सिचुएशन है फर्स्ट हैबिट में जो दिखाया हुआ है, तो ये सही नहीं है। और जो सेकंड है वो है बिन लूज वाली, जिसमें जैसे अलग शो हो रहा है, ये पर्सन औरों को क्रश करके इनके ऊपर खड़ा है, तो ये खुद जीत रहा है और बाकी सबको इसने एक तरह से हरा दिया। तो ये भी सिचुएशन ठीक है, ना ही लूज विन ठीक है, ना ही विन लूज ठीक है, आइडियल है विन विन सिचुएशन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। विच इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ लिसनिंग? इन चारों ऑप्शंस में से कौन सी लिसनिंग सबसे बेस्ट है? पहला है अटेंटिव लिसनिंग, सेकंड है सिंपैथेटिक लिसनिंग, थर्ड है इम्पैथिक, और फोर्थ है केयरफुल लिसनिंग। और आप चाहे तो ये भी मेंशन कर सकते हैं कि ये किस हैबिट में हमने सीखा था। तो इसका भी सबने आंसर दे दिया होगा। इसमें जो सी ऑप्शन है इम्पैथिक लिस्टिंग, वो सबसे सही अच्छे फॉर्म ऑफ लिस्टिंग होती है, क्योंकि उसमें हम सामने वाले पर्सन की जगह पर अपने आप को रख के उन्हें सुनने का अनुभव करते हैं। तो इसमें जैसा नीचे पिक्चर में शो किया हुआ है, हमने इस वाली एनोलॉजी से समझा था कि ऑप्टोमेट्रिस्ट जो होते हैं, अगर कोई जो ऑप्टोमेट्रिस्ट जिसके पास हम अपनी आई चेकअप कराने जाएं, वो हमें कहे कि आप मेरे वाला चश्मा लगा कर सबको देखो, तो कई बार हम भी ऐसा करते हैं कि एक फिक्स फ्रेम से ही सबको देख रहे होते हैं, जबकि वन साइज डज नॉट फिट ऑल। सबको अलग अलग तरीके से हमें सबके साथ मतलब अपना अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यह विच कॉन्सेप्ट इज एक्सप्लेन थ्रू फॉलोइंग पिक्चर? इस पिक्चर को देखने पर और इसमें इसको अच्छे से देखें, इसमें से आपको कौन सा इफेक्ट इसमें नजर आ रहा है?
पहला हेलो इफेक्ट, सेकंड है पिग्मेलियन इफेक्ट, थर्ड है डिफरेंट पीपल सी थिंग्स डिफरेंटली, यानी पैराडाइम, जो हमने फर्स्ट वीडियो में शेयर किया था कि पैराडाइम मतलब चीजों को देखने का नजरिया, और डी है प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी. तो होप आप सब ने आंसर इसका मेंशन कर दिया होगा. इसका करेक्ट आंसर है पैराडाइम, मतलब चीजों को देखने का नजरिया. एक बार देखने में तो ये हमें स्कल जैसा दिख रहा है, बट अगर इसे हम ध्यान से देखें तो इसमें एक लेडी भी हमें दिख रही है. तो पैराडाइम मतलब कि हम चीजों को किस तरीके से देखते हैं, किस लेंस से देखते हैं. अगर हमारा देखने का नजरिया ही गलत होगा तो हम रिएक्ट भी गलत तरीके से करेंगे, जैसा नीचे पिक्चर में शो किया हुआ है कि पैराडाइम आर लाइक पेयर ऑफ ग्लासेस, इट अफेक्ट्स द वे यू सी एवरीथिंग इन योर लाइफ. तो हमने समझा भी था कि पैराडाइम मतलब कहीं पहुंचने का मैप एक तरीके से. अगर मैप हमारा गलत होगा तो हम गलत जगह ही पहुंचेंगे. तो इस पे हमें केयरफुल रहना है कि हम कहीं चीजों को गलत तरीके से तो नहीं देखते हैं. तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं. ये ऑथर का फेवरेट कॉन्सेप्ट था और ये पिक्चर हमने शेयर नहीं की किसी भी वीडियो में. इम्पोर्टेंट पिक्चर है, विच कॉन्सेप्ट डज दिस पिक्चर शो. तो इसमें एक तरफ एग है, एक तरफ हैन है. ये कहानी हम सबने सुनी है, गोल्डन एग और हैन वाली. गोल्डन एग मतलब रिजल्ट जो हमें चाहिए, और हैन असेट जो उस रिजल्ट को प्रोड्यूस करेगी. तो ऑथर कहते हैं कि दोनों का बैलेंस होना चाहिए. तो आप सबके लिए क्वेश्चन है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा कॉन्सेप्ट इस पिक्चर को अच्छे से डिफाइन करता है. ऑप्शन है पैराडाइम शिफ्ट, पिग्मेलियन इफेक्ट, मैच्योरिटी कॉन्टिन्यूम, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी. तो आप सबने आंसर कर दिया होगा. इसका करेक्ट आंसर है डी, प्रोडक्शन एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी. मतलब हमें दोनों का ध्यान रखना है, असेट का भी और जो रिजल्ट प्रोड्यूस होना है उनका भी, दोनों में बैलेंस बना के रखना है. ना ही तो अनड्यूली हमें हैन का ध्यान रखना है और ना ही एग का, दोनों पे बैलेंस बना के डिजायर्ड रिजल्ट से भी और असेट से. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि सरप्राइज क्वेश्चन है, क्योंकि हमने 7 हैबिट्स कवर तो कर लिए थे, हमें भी नहीं पता था कि एक और हैबिट है, 8th हैबिट. तो वो हमारे लिए भी सरप्राइज था और आप सबके लिए भी सरप्राइज की तरह ही है. आप सबको गेस करना है कि एट हैबिट क्या होनी चाहिए, क्योंकि इफेक्टिवनेस अपने आप में बहुत इम्पोर्टेंट हाई वर्च्यू है. इससे भी बड़ी क्या चीज हो सकती है जो ऑथर एट हैबिट में डालेंगे. वैसे आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए हम बता दें कि ये बुक 1989 में स्टीफन आर कोवे ने लिखी थी, और एट हैबिट फिर बाद में एक बुक आई 2006 में. तो इस दौरान ऑथर कहते हैं कि उन्होंने जीवन से काफी कुछ सीख लिया, जिसकी वजह से उनको एक और हैबिट पे बुक लिखनी पड़ी, एक हैबिट जिसका टाइटल है जिस बुक का, फ्रॉम अफेक्टिवनेस टू ग्रेटनेस, जैसा यहाँ लिखा हुआ हैबिट दैट विल लीड यू टू ग्रेटनेस. तो ये इसकी समरी है जिसे हम अच्छे से एक सेशन में डिस्कस करेंगे. इसमें ऑथर मेनली दो बातें बताते हैं कि सबसे पहले फाइंड योर वॉइस, अपनी अंतरात्मा को सुनो, और फिर सेकंड पार्ट है इंस्पायर अदर टू फाइंड देयर वॉइस, और फिर औरों की मदद करो ताकि वो भी अपने इनर कॉलिंग को सुन पाए. और फिर नीचे जो बहुत अच्छा डायग्राम शो किया हुआ है. अभी हम नेक्स्ट सेशन के लिए भी ज्वाइन कर सकते हैं. If needs more time, so we can end this session and join again. Do you need more time for this? No, from that session we can. Basically, everyone has four mentions. अभी लेकिन next session में join कर लेते हैं, सबसे थोड़ा feedback ले लेते हैं. For few minutes. ठीक है, join करते हैं. हाँ जी.